नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज दुनिया में सबसे अच्छा जो पैकेज है हाइट बढ़ाने के लिए, मैं वो आपको बताऊंगा कि बच्चों की हाइट कैसे बढ़े, क्योंकि उनको कुछ भी आगे बढ़ना है अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, अच्छी हाइट होनी चाहिए। एक तो ये ताड़ासन है, देखिए कितना अच्छा है, पंजे ऊपर उठा रखे हैं बच्ची ने, ये ताड़ासन है, है ना, लंबाई पूरी ऊपर खींच के ऐसे, इससे स्पाइन का की वो अच्छी होती है, गैपिंग अच्छी होती है। ये चक्कटी चक्रासन, अब गुड़िया चेंज करो, ये देखिए रंजीत जी कटी चक्रासन, ये देखिए कितना लचीली कमर हो जाएगी, इसे डिस्क स्पेस बढ़ जाता है इसे। ये है वृक्षासन, आइए रंजीत जी आगे आइए, ये देखिए वृक्षासन, एक एक चीज़ जो हाइट बढ़ाने के लिए है, ये हाइट बढ़ाने के लिए वृक्षासन दिखा दीजिए, पोज यहाँ से वृक्षासन, ये भी वृक्षासन, ये वृक्षासन हो गया। और इसके बाद ये देखिए चक्रासन कितना अच्छा किया है, थोड़ा दूर से चक्रासन, ये चक्रासन है, उधर से ले लीजिए आप चक्रासन, ये चक्रासन बहुत अच्छा आसन है हाइट बढ़ाने के लिए। देखिए पूरे स्पाइन की ऐसे ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, जितनी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगा तभी हमारी हाइट बढ़ेगी। विश्राम गुड़िया आप चेंज कर लो। अब ये धनुरासन, इससे भी स्पाइन की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है और इससे हाइट बढ़ती है, धनुरासन है ये, धनुरासन, ये भी हाइट बढ़ाने के लिए। फिर ये पश्चिमोत्तानासन, वापस जाओ गुड़िया, पाद पश्चिमोत्तान वापस जाओ, फिर वापस आओ, ये देखिए इससे बढ़ती है स्पाइन की हाइट, पाद पश्चिमोत्तानासन। फिर ये हलासन, हल जैसी आकृति है बॉडी की, हल जैसी शेप है, जैसा हल होता है, इस ये हाइट की बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर उष्ट्रासन, देखिए पूर्ण उष्ट्रासन, इधर से दिखाइए रंजीत जी, साइड से दिखाएंगे ना फिर आएगा, कितना अच्छा है पैकेज है ये हाइट बढ़ाने के लिए। ये एक एक आसन को हमें केवल दो दो बार करना है, 30-30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए ऐसे करना, फिर वापस, फिर 30 सेकंड के लिए। ये देखिए गुड़िया करिए पद्मासन, इससे हाइट हमारा, पद्मासन में बैठते ही हमारा स्पाइन सीधा हो जाता है, स्पाइन को इरेक्ट रहते हैं, जितना पोस्चर हमारी अच्छी होगी तो अच्छा है। तितली आसन कितना आसान है देखिए, लेकिन अगर लगातार करेंगे हम उसे बड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। ये है तितली आसन, ये मार्जरी आसन, कैट स्ट्रेच कहते हैं इसे, कैट स्ट्रेच, इससे हमारी स्पाइन बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। साइड से रंजीत जी इधर से दिखाइए, कैट स्ट्रेच ऐसे, फिर ये ऊपर ये नीचे ऐसे, इसे कहते हैं कैट स्ट्रेच, फिर वापस ऊपर, ये देखिए कैट स्ट्रेच। ये है शीर्षासन, इस बच्चे ने कितनी देर से लगा रखा है शीर्षासन, देखिए शीर्षासन बिल्कुल उल्टा हो गए, इससे थायराइड को, पैराथायराइड को, पिट्यूटरी को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, वही हमारी हाइट बढ़ाती हैं। ये देखिए सर्वांगासन, सर्वांगासन इधर से आइए रंजीत जी, देखिए साइड से दिखाइए इस गुड़िया ने कितना अच्छा किया है, यहाँ से इधर से आगे बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट है। ये है सर्वांगासन, आइए आगे आइए सर्वांगासन। ये है अब प्राणायाम, जो प्राणायाम करेंगे उससे भी हाइट बढ़ेगी, बड़ा अच्छा प्राणायाम है भस्त्री का प्राणायाम, देखिए कितना आराम आराम से स्लो स्पीड से सांस गहरी लेना, इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जो खाने में जो भी हमारे यूरिक एसिड यूरिया बनता है सारा, जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स सारे वॉश आउट हो जाते हैं प्राणायाम करने से, लंबी लंबी सांस लेना, लंबी, ये फुल स्पीड से भस्त्रिका करना तेजी से, ये भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो उससे फायदा होता है। ये कपालभाति, अगर वजन किसी का ज़्यादा है तो वजन में फिर हाइट बढ़नी मुश्किल हो जाती है, तो वजन को कम करने के लिए कपालभाति प्राणायाम, ये कपालभाति प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम, ये भी हाइट को, हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस ठीक बनता है, इससे हाइट बढ़ती है। ये पैकेज है, ये 15 मिनट का पैकेज है केवल, जो मैंने आसन बताया आपको 15 आसन, वो 30-30 सेकंड के लिए दो बार करने हैं हमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी दिनचर्या के क्या हिस्से हैं जिससे कि हाइट बढ़ेगी, तो ये भी आपको बताता हूँ। सोमा इधर दिखाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा और हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हाइट बढ़ानी होती है तो हाइट बढ़ाने के लिए ये फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स होते हैं, एक तो दिनचर्या हमारी, खान पान, रहन सहन, तो उसके ये दो तीन जो ग्रंथि हमारी, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी, ये ग्रंथि हमारी हाइट बढ़ाती हैं, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी हमें करनी है। एक तो रस्साकूद गुड़िया करके दिखाओ आप, रस्साकूद करनी है, और दूसरा पोल पे वो करना, एक स्विमिंग, रोज साहब स्विमिंग करके दिखाइए आप, जैसे स्विमिंग करेंगे तो उससे भी हाइट बढ़ेगी, स्विमिंग भी हाइट का है। फिर एड़ी पंजों पे चलना, आप गुड़िया एड़ी पंजे पे चल के दिखाओ, खोल लो एड़ी पंजे पे चल के दिखाओ, एड़ी पे चलना ऐसे, खाली पंजों पे चलना, देखिए इससे बढ़ती है हाइट। और वो भी अगर एक्यूप्रेशर ट्रैक पे चलेंगे, बजरी पे, रोड़े पे, रेती पे अगर चलेंगे उसे भी, ये स्विमिंग से भी हाइट बढ़ती है, गर्डल हमारी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, और ये खाली एड़ी पंजे पे चलने पे भी, ये रस्साकूद, ये देखिए इससे भी हाइट बढ़ती है, बस कोई बात नहीं। इसी तरह से बास्केटबॉल अगर खेलेंगे उससे भी हाइट बढ़ेगी, वो भी एक अच्छा तरीका है। रनिंग करना, साइकिलिंग करना, ये भी उसका एक तरीका है। बाकी जो पार्ट है हाइट बढ़ाने के लिए, एक तो नींद अच्छी आनी चाहिए, बच्चों को जल्दी सोना चाहिए, शाम को जितना जल्दी खाना खाएंगे, शाम को 7 बजे से पहले बच्चों को खाना दे दो, जिससे कि 9 बजे सो जाएं, फिर हाइट बढ़ेगी। एक बच्चों की मालिश करनी चाहिए, तिल के तेल से मालिश अगर करेंगे डेली तो मालिश से भी हाइट बढ़ेगी। और एक सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, डेली मालिश करें बच्चे की तिल के तेल से, डेली या हफ्ते में 3 बार तो कंपलसरी है मालिश करना, उससे उनको विटामिन डी मिलेगी, सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलेगी, वो सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। योग मैंने बता दिया,
और बाकी तो पोस्चर, अगर बैठना है तो पढ़ने बैठना तो सीधे होकर बैठें बच्चे, जितना पढ़ेंगे सीधे बैठ के पढ़ेंगे, ऐसे बैठ के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह साइकिल चलाते इसमें सीधे रहें, इसी तरह से अगर जीने पे चढ़ना तब भी सीधे रहें, जितनी पोस्चर हमारी अच्छी होगी तो हाइट अच्छी बढ़ेगी। दूसरा, वैक्सीनेशन भी करवाएं बच्चों का, समय समय पर टीके लगवा लें जिससे कि बीमारियाँ ना हो, उससे भी फायदा होगा। ये स्क्रीनशॉट दिखाइए रंजीत जी पास में से एक बार, ये कितने अच्छे हैं, ऐसे करेंगे नींद, आइए पास में से ऐसे फुल स्क्रीन, कितना अच्छा है। ये हाइट बढ़ाने के सबसे, थोड़ी सी जड़ी बूटियों की हेल्प ले सकते हैं हमें, एक तो अश्वगंधा, जैसे अश्वगंधा होती है अश्वगंधा से भी हाइट बढ़ सकती है, एक एक चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। और फिर च्यवनप्राश भी की भी हेल्प ले सकते हैं, च्यवनप्राश अगर जो 6 साल से बड़ा बच्चा, एक जब आटा दें बच्चों को खाना दें जब रोटी बनाएं तो मिस्से आटे का की रोटी बनाएं, जिसमें कि गेहूं के साथ साथ में चने, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, ये ऐसा रागी, ऐसा आटा देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं तो, और भोजन अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हो, और एक बेलपत्र, बेलपत्र के 6 पत्ते एक काली मिर्च उसमें मिला दें, एक काली मिर्च के साथ चबा के खाएं बच्चे, उससे बॉडी की वॉशिंग होती है और हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो बेलपत्र भी जरूर दें बच्चों को, उससे फ़ायदा मिलेगा। मैं तो यूजली ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जगदम्बा बेबी केयर, आप इसको जरूर फॉलो करें। बच्चों की योग से हम बहुत सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उसे एडमिट दिया। और ये मेरी बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं, इस पर लिंक हैं, तो ये भी आप नंबर भी नोट कर लें, और इसको चैनल को, और करनाल प्लस को आप रेगुलरली फॉलो करें। करनाल प्लस पे ऐसी वीडियो आती रहेंगी, थोड़े से समय में हम स्मार्ट वीडियो बनाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। अगर दुनिया में इससे अच्छा कोई भी हाइट बढ़ाने का पैकेज है तो आप मुझे ज़रूर, आप वो भी इस पर पोस्ट करें जिससे कि सब लोगों को उसका लाभ मिले। मुझे तो लगता है कि जितना प्राकृतिक तरीकों से, देखिए नीरज चोपड़ा ने दुनिया को दिखा दिया है कि खाली सप्लीमेंट के डिब्बे लेके कोई ओलंपिक में गेम नहीं जीत सकता, ओलंपिक में मेडल नहीं जीत सकता। ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए तो इन बच्चों जैसी मेहनत करनी होती है, अच्छा घर का न्यूट्रिशियस फूड लेना होता है, दूध दही घर पर बने हुए खाएं, घर के फल लें, घर की सब्जियां खाएं, तो उससे बच्चे अच्छा ग्रो करते हैं। खाली जो सप्लीमेंट्स हैं उसे कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करें बच्चे। जो कुनिका पब्लिक स्कूल है ये करनाल का, ये मुझे तो लगता है कि पता नहीं हरियाणा में और कौन सा स्कूल ऐसा होगा जिसके बच्चे इतने डिसिप्लिन तरह से योग करते होंगे। सारे बच्चे यहाँ के बड़ा अच्छा योग करते हैं, ऐसे योगी बच्चे होंगे तो वो डेफिनेटली आगे नाम भी कमाएंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, बड़ा लचीला चाहिए सबका। तो ऐसे आप सभी लोग बच्चों के ऐसे हेल्प कराएं, ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखें। थैंक यू।